क्या प्रेयर थी आपकी और अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है? हमारी प्रेयर जो है जेल मैनुअल के तहत हमने रिलीफ मांगी थी कि जो कानून इमरान खान जैसे शख्सियत को जो हकूक़ देता है पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के तहत, रूल 243 और 248 ये कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर साबिका या मौजूदा पार्लियामेंटेरियन हो तो वो एक क्लास फैसिलिटीज़ का हकदार हैं। ये हमने उन्हीं रूल के तहत और जिस पे सुपीरियर कोर्ट्स के जो पहले फैसले आए हैं वो भी हमने अपने रिट पिटीशन में मैंने साइट किए हुए थे। इसके साथ ही चूँकि उसको कैद तन्हाई में रखा गया है चक्की में, ये बेसिकली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पनिशमेंट है जेल मैनुअल के तहत और सुपीरियर कोर्ट ने इस पर कदगन लगाई हुई है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने अटक जेल मुंतकिली का फैसला इसीलिए किया कि वहाँ पे ए और बी क्लास के फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, तो अडियाला जेल में इसीलिए इन्होंने नहीं रखा। वारंट जो था वो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के नाम था। इस्लामाबाद जो है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन अडियाला जेल तक है, तो जज साहब ने वारंट भी उन्हीं को एड्रेस किया था लेकिन अपने तई उन्होंने यूनिलेटरली उसको अटक जेल में रखा, फिर जिस हालत में रखा है। प्रेयर हमारी ये हैं कि उनके बकला, उनकी वाइफ, उनकी बहनों, इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स हैं, इसके अलावा जो सियासी रफ़ाकार हैं और उनके मालिज, इनके नाम हमने दिए हुए हैं, लिस्ट दिए हैं, उन लिस्ट पे मौजूद हजरात की ये एक्सेस चाहते हैं चेयरमैन पीटीआई, और अदालत से हमने इस्तेदा की इस पे जो रेजिडिक्शन के हवाले से उजरात आज लगे थे, ताहम फिर भी अदालत ने जो है अंग्रेज़ का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि जी फिलवक्त तीन वकला के मैंने नाम दिए हैं जिसमें एक मेरा अपना नाम है, उमेर नियाज़ी साहब का नाम है और नईम हैदर पंजोता साहब का नाम है, हम आज उनसे मुलाकात करेंगे। एक आखिरी रिलीफ जो हमने मांगी थी कि उनको अटक जेल से वापस अडियाला जेल जो है मुंतकिल किया जाए। शेरफ साहब, जो के प्रिजन रूल्स हैं उसमें टीवी और एयर कंडीशन भी होता है एक क्लास में, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर के हैं उसकी थोड़ी वजाहत कर दें। जी, एक क्लास में एयर कंडीशन और टीवी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और क्या क्या मतलब फैसिलिटीज होती हैं उसमें? एक मुलाजिम होता है और इसके अलावा साफ कमरा होता है, साथ में अटैच बाथरूम होती है। ठीक है, जो भी साबिक वज़ीर आज़म हो उसको ये सहूलत मिलनी चाहिए। जो भी साबिक वज़ीर आज़म हो या जो शख्स जो है वो मास्टर डिग्री होल्डर हो और उसकी ज़िंदगी जो है वो कंफर्ट में गुजरी हो, ये जेल में नहीं बोल कहता है, या वो शख्स जो है वो मुआशरे में एक इमिनेंस रखता हो, मुमताज़ मकाम रखता हो, जिस तरह के टेक्नोक्रेट्स हो गए या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील हो गया, ये लोग जो हैं नज़ीरें ऐसी हैं कि ऐसे लोग जो हैं एक क्लास के हकदार हैं। तो ये जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे ये भी हकदार थे इन फैसिलिटीज़ के? जी, कानूनन तो हकदार थे, कानूनन थे जी। वो जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि इनका एयर कंडीशन भी उतारना और टीवी भी, तो वो उनकी बात कानूनी तौर पर दुरुस्त थी? मेरा ख्याल है नहीं थी। नहीं थी, तो अभी आप समझते हैं कि आप कम अज़ कम कानून पर अमल हो जाए? मैंने हमेशा यही समझा है, उस वक़्त भी यही मैं बातें करता था और अब भी कहता हूँ, जो कानून जिसको हक देता है उससे लेने की बात कोई ना करे, चाहे वो इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। ठीक है, तो अभी जो कल नईम पर जो साहब मुलाकात करके आए हैं तो वहाँ पे जो हालात हैं, जो जेल के अंदर के हालात हैं, तो उन हालात को वहाँ पे भी बेहतर किया जा सकता है फौरी तौर पे, और हाईकोर्ट को क्या करना चाहिए था ऐसी सूरत हाल में? आप समझते हैं आज कोई रिलीफ दे सकते थे हाईकोर्ट अगर चाहती तो? हाई कोर्ट चूँकि अमले ने जो है ऑब्जेक्शन केस के तौर पे फिक्स किया था, तो लिहाजा जुडिशल साइड पर यह कल इसकी सुनवाई होगी और रिलीफ जो मिलेगी वो कल मिलेगी। ठीक है, और जहाँ तक वहाँ की सूरत हाल है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि वहाँ जो कमरा दिया गया है ना सूरज की रोशनी है ना हवा है, 9x11 का सेल है, कैद तनाई हैं, रात को मच्छर और अशरातुल अर्ध हैं, सुबह जो है वो कोई राना सनाउल्ला का कोई मेरे ख्याल में रिश्तेदार है सफाई करने वाला, वो वहाँ पे कोई मीठी चीज़ डाल देता है ताकि चींटी आए। तो लिहाजा ये इन हालात में, दूसरी बात ये कि खान साहब की लाइफ को बड़े सीरियस थ्रेट्स है, और अगर खान साहब की लाइफ को खुदा न खास्ता अगर उनको जुल्फकार अली भुट्टो बनाया जाता है, तो एक दफ़ा फिर जो है अदालती फोरम का इस्तेमाल किया होगा इन्होंने एक वज़ीर आज़म को गैरफितरी तौर पर रास्ते से हटाने के लिए। तो अभी जो साबिक वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उनके दौर में तो कहा जाता था कि जो मुजरम होता है उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए,
और आम आदमी को भी ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो जेल के जो हालात हैं वो सिर्फ किसी बड़े सियासतदान की वजह से क्यों अदालत में मामला आता है? आम लोगों को क्या बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए? उनके क्या हालात हैं आप जानते हैं? जेल मैनुअल में ये कतगन नहीं है कि सियासतदानों के लिए हैं या कोई पावरफुल लोगों के लिए हैं, कानून सब के लिए हैं। और बहुत सारे लोगों को मिले हैं, डॉक्टरों को मिले हैं, अगर आप हमारी जेल लॉज की हिस्ट्री पढ़ें, डॉक्टर्स को मिले हैं, उस असातज़ाए किराम को मिले हैं, सिविल सर्वेंट को मिले हैं, इसके अलावा टैक्स पेयर्स को मिले हैं। ये यही तो यार्ड स्टिक है ना, जो उन्होंने रूल 245 में बताया हुआ है कि ये ए और बी क्लास के अकदारान कौन है। तो उसमें ये तफरीक तो नहीं की गई है कि फलां सियासतदान होगा। उन्होंने जनरल कैटेगराइजेशन की है कि ये लोग जिनके ये कवाइफ हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हैं, कोई इमिनेंस हैं, कोई टैक्स पेयर हैं, या कोई डॉक्टर हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, या कोई जर्नलिस्ट, हत्ता कि जर्नलिस्ट को माजी में अवार्ड हुए हैं, जो जर्नलिस्ट हो इमिनेंस का, मतीउल्लाह जनाब की तरह। अच्छा, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है कि एक छोटा चोर जो है साइकिल चोर उसको तो एक क्लास नहीं मिल सकती, लेकिन जो अरबों रुपये या करोड़ों रुपये जो है वो चोरी में मुलव्वस हो उसको ए क्लास, बी क्लास? क्या ये क्लास सिस्टम जो है इम्तियाजी नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ को भी मिला था और साइकिल चोर को भी मिला है। आपको आप माजी में देख लेना, जो मतलब अरबों चोर जो था उसको भी मिले थे। तो ये क्लास सिस्टम होना चाहिए या सबके लिए एक जैसा? साइकिल चोर अगर वो कवाई पूरे करेगा, लेकिन साइकिल चोर भी तो इल्ज़ाम होता है ना, जब तक कि जब मुजरम हो जाए, सजा हो जाए, तो फिर इल्ज़ाम तो नहीं रहता। लेकिन ये अगर इन सजाओं की बात करते हो तो इन सजाओं से तो कोई जो है ऐसे फैसलों पर कोई पकौड़े इनमें ना रखे। जो फैसला चेयरमैन पीटीआई की कन्विक्शन का है, ये कोई फैसला तो नहीं है, ये तो मजाक उड़ाए हैं। अदालत का भी, अदालती निज़ाम का भी, ट्रायल का भी, इंसाफ का भी। लेकिन मजाक तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद नहीं उड़ाते रहे, 40 समातों में से सिर्फ 5 में पेश हुए। वो 5 में भी ज़्यादा पेश हो गए। अब ऐसी अदालत का पहले दिन से ही बायकॉट करना चाहिए था। अच्छा, आप बतौर वकील आप ये मशवरा देंगे अपने क्लाइंट्स को कि अदालतों का बायकॉट करें? और आपने कभी बायकॉट किया ऐसी अदालतों का? हमने ज़िंदगी में बहुत सारे बायकॉट्स किए हैं और करते आए हैं। अगर जज जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, आपको कठपुतली नज़र आ रहा है, आपको पता है उसने क्या करना है, तो वो मुनसिफ नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए एक हरकारे के तौर पे बैठा हुआ है और इसके सामने मेरा ख्याल है इंसाफ के लिए पेश होना इंसाफ की तजलील है। तो हाई कोर्ट ने अगर ये इमरान खान की सजा बरकरार रखी तो ये भी कठपुतली होंगे? अगर ये फैसला बरकरार रखा जाता है तो फिर ये भी कठपुतली होंगे। देखिए, अब आप मुस्तकबिल की बातें कर रहे हैं, कठपुतली कौन बरकरार रखते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं उसके हवाले से आज उनके बच्चे बेगम आए थे, अदालत ने सुना, उन्होंने जो हैं अपनी तरफ से पर्चा दे दिया है हमारी दरख्वास्त को। वो हमने दावेदारी की थी हमारे क्लाइंट ने आईजी इस्लामाबाद की, उसने खुद आके घर से अगवा किया है। आईजी को बचाने के लिए पर्चा उन्होंने दे दिया, जिस पर मैंने उज़र उठाया, जिस पर चीफ साहब ने उनको हिदायत दी कि जो हमारा बयान हो, जिस पे हम दावेदारी करना चाहें, वो उसी के मुताबिक जो है केस में पेशरफ करें। जो एसपी आज आया था वो एक रिप्यूटेड ऑफिसर है और मैंने कोर्ट में भी ये तस्लीम किया। मैंने कहा ये इसकी एक रिस्पेक्ट है इस्लामाबाद में, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से जानते हैं, अगर ये शख्स ईमानदारी से तफ्तीश करें तो हमें यकीन है कि ये हमारे डिटेन्यू को इफ्तिखार दुरानी साहब को बरामद करवा सकते हैं। कल इमरान खान पेश होंगे कितने अगस्त को? कल इमरान खान साहब जो हैं उसका चूंकि ऑफिशियली हमने सरकारी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से कोई इस्तेदा नहीं की है कि वो उनको तलब किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अगर ख़ुद इन हालात को देखते हुए उनको तलब करती हैं ताकि उसकी फ़िज़िकल हाज़री जो है वो इंश्योर हो सके, तो हमें इस पर उज़र नहीं होगा। लास्ट हुक्म में तो उन्होंने कहा था कि वो असली हाज़र होंगे। जी, वो अब चूंकि इनकेपेबल है ना, अब तो उनकी अपनी ज़ाती ये रसाई है ही नहीं, गवर्नमेंट ने पेश करना है और गवर्नमेंट जो है अपने तई उसको कभी पेश नहीं करेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको तलब ना कर ले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।